अ वेरी वार्म वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। इस लेक्चर में हम पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम के बारे में ठीक से समझेंगे। हम इस टॉपिक के अंतर्गत दो बातें समझेंगे। पहला कि कौन कौन से प्रेपोजिशंस आते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में और कौन कौन से प्रेपोजिशंस आते हैं पीरियड ऑफ टाइम में, अर्थात किन किन प्रेपोजिशंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के साथ किया जाता है एंड किन किन प्रेपोजिशंस का यूज पीरियड ऑफ टाइम के साथ किया जाता है। तो पहली बात तो हम समझेंगे प्रेपोजिशंस के पर्सपेक्टिव में कि किन किन प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के साथ एंड पीरियड ऑफ टाइम के साथ। दूसरा, कौन कौन से टाइम पॉइंट ऑफ टाइम में इंक्लूड होंगे और ऐसे ही कौन कौन से टाइम पीरियड ऑफ टाइम में इंक्लूड होंगे। वर्ड्स लिखे मिलेंगे आपको, अगर वो वर्ड्स मिल हैं तो वो पॉइंट ऑफ टाइम का होगा और कुछ वर्ड्स मिलेंगे आपको जो हैं तो पीरियड ऑफ टाइम में आएगा। तो हम वर्ड्स की सहायता से ही देख लेंगे कि अगर वो वर्ड लिखा हुआ है तो पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है और पार्टिकुलर वर्ड लिखा हुआ है तो पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है। इसलिए हम दो तरह से पढ़ने वाले हैं, दो इसका लक्ष्य है। पहला लक्ष्य तो हम अभी हासिल कर लेते हैं। पहला लक्ष्य में पॉइंट ऑफ टाइम के साथ जो प्रीपोजिशंस यूज करते हैं, पहला नंबर सिंस, दूसरा टिल, तीसरा बिफोर और चौथा आफ्टर है। सिंस अगर रहेगा तो उसके साथ पॉइंट ऑफ टाइम आपको यूज करना है, प्रीपोजिशन के रूप में रहेगा तब, टिल रहेगा तब करना है पॉइंट ऑफ टाइम, बिफोर रहेगा तब करना है आपको पॉइंट ऑफ टाइम। बिफोर के स्पेलिंग ठीक कर देता हूं, आफ्टर रहेगा तो अब करना है पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग। दूसरा, अगर फॉर रहेगा तो आप पीरियड ऑफ टाइम, अनटिल रहेगा और इन रहेगा तो पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग करेंगे सेंटेंस में प्रेपोजिशंस पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बात किया आपसे तो पहला तो हमने कल क्लियर कर लिया कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ कौन कौन से प्रेपोजिशंस लगाते हैं एंड पीरियड ऑफ टाइम के साथ कौन कौन से प्रेपोजिशंस लगाते हैं। अब कौन कौन से टाइम पॉइंट ऑफ टाइम में आते हैं एंड कौन कौन से टाइम पीरियड ऑफ टाइम में आते हैं, इसके लिए पहले पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम में जो टाइम आते हैं, जैसे ओ क्लॉक एम पी एम लिखा मिलेगा सेंटेंस में तो उसे आप मानेंगे पॉइंट ऑफ टाइम में। मॉर्निंग इवनिंग नाइट मिलेगा वो भी पॉइंट ऑफ टाइम में आएगा। नेम ऑफ डे, जैसे मंडे संडे नेम रहेगा, राइट, डे नहीं रहेगा नेम रहेगा, तो नेम ऑफ डे मंडे संडे। और मंथ, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ ईयर रहेगा तो आप उसको पॉइंट ऑफ टाइम में इंक्लूड करेंगे। कोई डेट रहेगा तो उसे पॉइंट ऑफ टाइम इंक्लूड करेंगे। अगर सेंटेंस में बर्थ, डेथ, मैरिज, अराइवल, डिपार्चर ये टाइम के सेंस में रहेगा तो भी उसे पॉइंट ऑफ टाइम में ही इंक्लूड करेंगे। ऐसे ही किसी फेस्टिवल का नाम और इवेंट जिसे टाइम की सूचना मिलेगी हमें, उसे भी हम यूज करेंगे, इंक्लूड कर लेंगे पॉइंट ऑफ टाइम में। तो पहले पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम एक डेफिनेट टाइम होता है, एक निश्चित समय होता है। निश्चित समय किस चीज का? टास्क के, किसी टास्क के शुरू होने का निश्चित समय होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम आप समझ रहे हैं कि टाइम का पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट, किस वक्त से काम शुरू हुआ, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम को पता करने के लिए, अगर हमें ये सब समझ नहीं पैदा हुआ कि डेफिनेट टाइम है, चाहे बिगिनिंग ऑफ टास्क शुरू हो रहा है तो हमें पॉइंट ऑफ टाइम यूज करना है, तो उसको पता करने के लिए ये वर्ड्स हैं जिसके बारे में हमने बता दिया आपको। ये वर्ड्स रहेंगे सेंटेंस में और टाइम के सेंस में रहेंगे तो वहां पे आप लगा देंगे के साथ पॉइंट ऑफ, इनको समझ लेंगे आप पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ कौन कौन से प्रीपोजिशंस लगते हैं आपने देख लिया है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर ओ क्लॉक एम पी एम है तो जैसे लिख देता हूं, आई हैव नॉट सीन, पहला देख रहे हैं ओ क्लॉक एम पी एम हिम सिंस। यहाँ पे ओ क्लॉक कर सकते हैं नाइन ओ क्लॉक, यहाँ पे आप ओ क्लॉक की जगह पे नाइन ए एम भी कर सकते, नाइन पी एम भी, जो आपकी मर्जी। तो ओ क्लॉक नाइन ए एम, नाइन पी एम, ये कुछ भी ओ क्लॉक एम पी एम रहेगा तो उसी के साथ हम प्रयोग करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम में जो होता है प्रेपोजिशन उसका। यहाँ पे सिंस का किया है, सिंस का भी करते हैं हम। फिर ऐसे ही नाइट, इवनिंग, मॉर्निंग, ये सब जो है इसके साथ अगर करें तो इसके लिए लिख सकते हैं ही हैज बीन वॉकिंग, वॉकिंग सिंस, क्या सिंस मॉर्निंग, आप इसी को लिख सकते हैं सीधा, सिंस मॉर्निंग, और ये सीधा रहेगा भी। इवनिंग भी लिख सकते थे, जो आप
आपको सुटेबल लगता है वो करेंगे यूज यहाँ पे, और नाइट। तो यहाँ पे आपने देखा यहाँ भी जो प्रेपोजिशन है पॉइंट ऑफ टाइम का, सिंस का प्रयोग किया है। फिर देखते हैं तीसरे में, नेम ऑफ डे रहेगा, नेम ऑफ डे रहेगा, डे नहीं, नेम ऑफ डे, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ ईयर रहेगा तो भी आप यूज करेंगे इसको। जैसे ही हैज बीन राइटिंग, ही हैज बीन, चाहे राम हैज बीन, श्याम हैज बीन, शीला हैज बीन राइटिंग, कुछ भी आपकी मर्जी राइटिंग। यहाँ भी सिंस ही लगाते हैं, सिंस मंडे, सिंस मंडे, कोई दिक्कत। मंडे की जगह पे आप कर सकते थे जनवरी, इसकी जगह पे आप कर सकते थे ईयर 2020 या 21, जो भी आपको लगता है। दूसरे प्रीपोजिशन में लगाकर देखेंगे। अब है इसका डेट के लिए कोमल केम, कोमल हैज बीन, यहाँ पे हैज बीन लगाना अधिक अच्छा है, हैज बीन हैप्पी सिंस, कोई डेट लिख दीजिए 15 अगस्त 2021, अभी तो आया ही नहीं है 2020, 15 अगस्त 2020। अब ऐसे ही कोमल इस, यहाँ पे दूसरा करते हैं बाहुबली हैड बीन स्ट्रॉन्ग सिंस बर्थ, ठीक है। अभी दूसरे प्रे, अभी सब सिंस ही का प्रयोग कर रहे हैं, दूसरे प्रीपोजिशन का भी एग्जांपल एक दो दूंगा आपको अभी, पहले सिंस देख लेते हैं। ऐसे सिंस बर्थ, यहाँ पे डेथ के लिए कह सकते हैं कि शीज unhappy since death of her father marriage, she has been living in the USA since marriage arrival, she has been happy since arrival, arrival मतलब आना, आगमन, she has been unhappy कर देते हैं, she has been unhappy since departure of her father। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, अगर सेंटेंस में सीन्स बर्थ डेथ मैरिज अराइवल डिपार्चर रहेगा टाइम के लिए। अब इवेंट और फेस्टिवल की बात अगर करें तो इसके लिए सेंटेंस एक लिखते हैं, आई हैव नॉट सीन हर सीन्स होली, होली से मैंने उसको देखा ही नहीं है। फिर इवेंट सीता इज, चाहे हैज बीन करते हैं, हैज बीन हैप्पी सिंस पिकनिक, पिकनिक एक इवेंट हो गया सिंस पिकनिक। तो इस तरह से आपने देखा कि सिंस का प्रयोग करेंगे जब ये सब वर्ड्स रहेंगे सेंटेंस में टाइम के सेंस में, तो सिंस का नहीं पॉइंट ऑफ टाइम समझेंगे इनको। और सिंस भी एक प्रीपोजिशन है जैसा कि आपने देख लिया, और टिल बिफोर और आफ्टर भी होता है, तो इसके लिए भी एग्जांपल कुछ हमें देखने पड़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसका प्रयोग होता है। टिल का अगर प्रयोग करें तो एक सेंटेंस लिखता हूँ, ऊपर लिखता हूँ, राम डिड नॉट गो टू बेड टिल 9 PM कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 9 PM आप समझ रहे हैं, यहाँ PM शब्द है तो ये 9 PM पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे टिल का प्रयोग हम करेंगे, अनटिल का नहीं, अनटिल का प्रयोग करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम के साथ, तो टिल का प्रयोग कर देंगे। फिर ऐसे ही अगर कहें कोमल कोमल विल कम आफ्टर मंडे,
क्योंकि आफ्टर का प्रयोग भी करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, तो यहाँ पे कोमल मंडे के बाद आएगी, तो इधर भी देखिए ये भी मंडे पॉइंट ऑफ टाइम है और आफ्टर का प्रयोग हुआ है, ठीक है। बिफोर का भी कर सकते हैं, आप कुछ भी सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे कोमल ज्वाइंस द क्लास बिफोर 8 PM, कोमल 8 बजे शाम से पहले क्लास ज्वाइन करती है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बिफोर का प्रयोग कर दिया है, इधर आफ्टर का प्रयोग कर दिया है और इधर टिल का प्रयोग कर दिया है, जो कि आप समझ रहे हैं कि इन सब का प्रयोग कर सकते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, सिंस का प्रयोग तो होता ही होता है। तो आपने क्या देखा, सिंस टिल बिफोर आफ्टर सब का प्रयोग करके दिखा दिया। तो इस तरह से जो टाइम्स रहेंगे आपको ध्यान रखना है पॉइंट ऑफ टाइम में आते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में आएगा कि कौन कौन से टाइम आते हैं पीरियड ऑफ टाइम में। देखिए पीरियड ऑफ टाइम जो होता है इसे बोलते हैं, दूसरा भी नाम है इसका, इसका दूसरा नाम है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और स्पष्ट है ड्यूरेशन मतलब ड्यूरेशन अवधि, कितने देर तक, और ये इनडेफिनिट टाइम है। जिस तरह से पॉइंट ऑफ टाइम डेफिनिट था उसका अपोजिट ये इनडेफिनिट है, और इससे कार्य करने के ड्यूरेशन का पता चलता है। जो पॉइंट ऑफ टाइम था कार्य के बिगिनिंग का पता चलता था, देखिए टास्क के बिगिनिंग का पता चलता था, लेकिन यहाँ पे टास्क के ड्यूरेशन का पता चलता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम से, और इनडेफिनिट होता है। और वर्ड्स कुछ रहेंगे सेंटेंस में जहाँ से आप पहचान सकते हैं कि इनडेफिनिट टाइम शो हो रहा है, तो उसके साथ जो भी प्रेपोजिशन यूज होता है ड्यूरेशन ऑफ या ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम के साथ, जैसे कि ये फॉर अंटिल इन, इसका आप यूज कर सकते हैं। देखिए अगर सेंटेंस में आवर डे वीक मंथ ईयर डिकेड जैसे सेंचुरी और भी कुछ वर्ड्स हो सकते हैं जो टाइम को इंडिकेट करते हैं, इनडेफिनिट टाइम को इंडिकेट करते हैं, उनको हम लगा सकते हैं यूज कर सकते हैं। पिछला में क्या था कि नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ डे, नेम ऑफ ईयर था, यहाँ पे ये सब नेम नहीं है, यहाँ पे वीक, यहाँ पे डे है, मंथ है, ईयर है। जैसे डे मतलब वन डे, टू डेज, थ्री डेज, ऐसे करके होगा, वहां पे नेम था तो मंडे था, संडे था, ऐसे करके। तो ऐसे वर्ड्स रहेंगे तो आप उसे मान लेंगे कि पीरियड ऑफ टाइम है। एग्जांपल में ये है, शीला केम बैक इन अ आवर, शीला वापस आ गई एक घंटे में, चाहे इन अ डे एक दिन में, चाहे इन अ वीक, चाहे इन अ मंथ, चाहे इन अ ईयर, चाहे इन अ डिकेड, कोई भी आपकी मर्जी कोई भी यूज कर लीजिए, ये सब के सब पीरियड ऑफ टाइम में आते हैं, इनको ही लिख दिया है मैंने। अब अगर सेंटेंस में एवर और अ लॉन्ग टाइम रहे तब भी आपको यूज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा पीरियड ऑफ टाइम है। इसका एग्जांपल आपके सामने है, मीरा हैज गॉन टू द यूएसए फॉर एवर, मीरा हैज गॉन, मीरा गई है यूएसए को, अब जानते हैं यूएसए का पहले आर्टिकल THE का प्रयोग करते हैं, तो मीरा हैज गॉन टू द यूएसए फॉर एवर, हमेशा के लिए गई है मीरा यूएसए, यहाँ पे फॉर इसलिए लगाते हैं। और एक और एग्जाम्पल अ लॉन्ग टाइम के लिए, राम विल बी अब्सेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, राम लंबे समय के लिए अब्सेंट रहेगा, चाहे लंबे, हाँ ठीक है, राम लंबे समय के लिए अब्सेंट रहेगा। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि एबर और अ लॉन्ग टाइम भी रहेगा तो उसके साथ भी आप प्रीपोजिशंस का प्रयोग करेंगे जो कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होते हैं। फॉर यूज किया है और यहाँ पे इन का प्रयोग किया है, अंटिल का भी प्रयोग होता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड टाइम में कौन कौन से प्रीपोजिशंस यूज करते हैं, फिर देख लिया कि पॉइंट ऑफ टाइम में कौन कौन से टाइम मेंशन होते हैं, और इसे बिगिनिंग ऑफ टास्क का यूज बोध होता है, साथ में डेफिनिट टाइम होता है, सबका एग्जाम्पल भी देखा हमने। फिर पीरियड ऑफ टाइम में इनडेफिनिट टाइम होता है, ड्यूरेशन ऑफ टास्क का बोध होता है, और कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं जिससे हम पीरियड ऑफ टाइम में रखते हैं, और इसके एग्जाम्पल्स भी हमने देखा है। इस वीडियो में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच।